हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख के समझ गए होंगे कि वेट निकालने का फार्मूला बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बता दूँ, मतलब हम लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो फैब्रिकेशन लाइन में जो है वेट फार्मूला तो उतना मतलब निकालना तो पड़ता नहीं है बार बार, लेकिन जो है इन सब चीज़ों को जो है याद रखना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि कहीं पे कुछ वेट निकालने का यूज हो तो इस सब फार्मूला की वजह से हम लोग वेट निकाल पाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे निकाला हुआ मैंने, मतलब फार्मूला लिखा हुआ है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर प्लेट दिया हुआ है तो प्लेट का वेट निकालने के लिए क्या है, विड्थ यानी कि चौड़ाई, विड्थ गुड़े थिकनेस गुड़े लेंथ, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ इंटू 0.00785, ये प्लेट का लेंथ निकालने का फार्मूला है, यानी कि चौड़ाई गुड़े थिकनेस यानी चौड़ाई गुड़े मोटाई गुड़े लंबाई, उसके बाद इंटू ये 0.00785, ये अगर प्लेट है उसका आपको वेट निकालना है तो ये आप फार्मूला से उसका निकालेंगे तो उसका बराबर केजी में वेट आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे पाइप है, तो पाइप का जो फार्मूला है, पाइप का वेट निकालने का फार्मूला वो कैसा है, ओडी माइनस वन थिकनेस, यानी जो भी आपका ओडी है पाइप का, उसमें जो भी थिकनेस है उसमें पहले तो ओडी में माइनस वन थिकनेस कर दीजिए, यानी कि 60 mm ओडी है पाइप का, यानी 2 इंच का पाइप है तो 60 mm ओडी है और उसका 10 mm थिकनेस है, तो उसमें पहले एक थिकनेस माइनस कीजिए, यानी कि 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 आएगा, 50 आएगा। उसके बाद ओडी माइनस वन थिकनेस, फिर इंटू वन थिकनेस करना है, उसके बाद इंटू लेंथ करना है, फिर उसके बाद इंटू 0.02465 करना है। तो ये हो गया आपका पाइप का वेट निकालने का फार्मूला। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे, राउंड बार दिया हुआ है, राउंड बार अगर है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला देखिए, डायामीटर इंटू डायामीटर, जो राउंड बार का जो डाया है यानी कि जो भी है 10 20 40 50 60 100 जो भी है, वो डायामीटर इंटू लेंथ यानी कितना लंबा है, उसके बाद इंटू 0.00616, इस फार्मूला से आप निकालेंगे तो आपका राउंड बार का जो है वेट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे स्क्वायर बार दिया हुआ है, स्क्वायर बार भी समझ लीजिए प्लेट की तरह ही होता है, चार मतलब स्क्वायर होता है, तो इसका भी फार्मूला जो है सेम है, विड्थ गुड़े हाइट गुड़े लेंथ इंटू 0.00785 जो कि प्लेट का फार्मूला था, वही सेम जो है स्क्वायर बार में भी यूज होगा। तो ये चार चीज़ों के फार्मूला जो मैंने बताए हैं आपको, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत मतलब काम में आता है लगभग, और लगभग काम में नहीं भी आता है, तो इसको याद भी रखना ज़रूरी है, और चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत रेयर केस में इसका उपयोग होता है, यानी कि किसी ने बोल दिया कि इस प्लेट का वेट कितना है तो उससे आप बता सकते हैं, बाकी पाइप का वेट कितना है उसको भी बता सकते हैं, हालांकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन आपको याद करना मतलब ज़रूरी है, याद रहना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बार बार बोला आपको। तो चलिए अभी एक एक का देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पर प्लेट का मैंने लिखा हुआ है, तो मान लीजिए प्लेट का जो है विड्थ है 1 मीटर, यानी चौड़ाई 1 मीटर है, उसका थिकनेस 10 mm और लंबाई भी 1 मीटर है, यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई जो भी है फार्मूला, उसके बाद जो भी ये है 0.00785 इक्वल टू करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको आएगा 78.500, यानी कि 78 kg 500 kg का वो प्लेट होगा जो 10 mm थिकनेस का है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर लंबा है, उसका वेट आएगा इतना 78 kg 500 g, ये kg में वेट बताएगा फार्मूला जो है। उसके बाद देखिए, पाइप का मैंने निकाल के रखा है कैलकुलेटर से, मेरे पास मतलब कैलकुलेटर भी है तो मैंने उससे निकाल के रखा हुआ है आपको बताने के लिए। तो देखिए, पाइप का ओडी है 60 mm, तो उसमें पहला क्या था, ओडी माइनस वन थिकनेस, तो यहाँ पे मैंने ओडी माइनस वन थिकनेस किया तो 50 हो गया, उसके बाद इंटू वन थिकनेस करना था तो 50 × 10 × 1 मीटर जो लेंथ है, उसके बाद फार्मूला क्या है, इंटू 0.02465, इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.325, यानी ये जो भी आंसर आ रहा है ये केजी में आ रहा है, यानी 12 kg 325 g का ये पाइप का लेंथ होगा, मतलब वेट होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, राउंड बार का देखते हैं, तो राउंड बार का वेट निकालने का फार्मूला जो है ये देखिए, यानी कि डायामीटर इंटू लेंथ
इंटू 0.00616, ये है राउंड बार निकालने का फार्मूला। तो मान लीजिए 40 mm उसका डाया है, तो डायमीटर इंटू 1 मीटर लेंथ है इंटू इतना फार्मूला, तो आपका वेट आ जाएगा 9.856 kg। तो ये दोस्तों फार्मूला के हिसाब से आप वेट निकाल सकते हैं। और जो कि चौथा मैंने बताया था स्क्वायर बार का, जो कि विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू 0.00785, जो कि सेम फार्मूला है प्लेट का भी, तो सेम ये भी सेम यूज होगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा तो वो आप मतलब ये दोनों का फार्मूला सेम है, स्क्वायर बार का और प्लेट का, तो इससे आप इसका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मतलब ये एक टॉपिक मिला मुझे कि वेट निकालना बता दूं फार्मूला। जो भी दोस्त मेरा जानना चाहते हैं, जो जिनको मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको अच्छी बात है मालूम होना चाहिए। जो नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, जो काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो था। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।